देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। पेट्रोल पंप के पास हुआ बड़ा हादसा, अज्ञात कैंटर ने दो व्यक्ति को मारी टक्कर, दोनों व्यक्ति की हुई मौत। मामला सितारगंज के खटीमा रोड पेट्रोल पंप के पास का है, जहां देखते ही देखते अज्ञात कैंटर ने दो व्यक्ति को मारी टक्कर और ये हादसा मौत में बदल गया, जिसमें दो लोग की मृत्यु हो गई। हालांकि मौके पर पहुंचे स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारी ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज भेज दिया। आपको बता दें कि राजनगर शक्ति फार्म के रहने वाले ये दो मृतक, जिनका नाम कालू मिश्री और जीवन मंडल है, इनमें से एक की उम्र 50 वर्ष और दूसरे की उम्र 55 वर्ष है। यह दोनों कटान का काम करते हैं और खटीमा रोड की तरफ से ही कटान करके कहीं से आ रहे थे, तभी अचानक किसी अज्ञात कैंटर ने इनको टक्कर मार दी और मौके पर ही इन दोनों की मौत हो गई। जब सामुदायिक केंद्र में लाया गया तो देखने पर पता लगा कि दोनों मृत हैं। जब इसकी सूचना मृतक के परिवार वालों को दी गई तो सब इकट्ठे होकर सितारगंज पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि पुलिस प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहां कर्मचारी अस्पताल में उपस्थित नहीं है, जिस पर मृतक के परिवार वाले भड़कने लगे। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी स्थानीय पुलिस प्रशासन ने हमारी खबर तक नहीं ली और उन्होंने अस्पताल के सामने ही रोड जाम करने की कोशिश की। इसके बाद महाराणा प्रताप चौक पर भी जाम लगाया और फिर मौके पर स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और बात को संभालते हुए कहा कि हमने आपके आने से पहले ही सारी कार्यवाही कर दी है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आगे भी जो कार्यवाही होगी पीएम रिपोर्ट आने के बाद जरूर की जाएगी। कालू और जीवन ये दो शख्स हैं जो कि शक्ति फार्म राजनगर के निवासी बताए गए हैं, तथा बताया जाता है कि ये अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए और जब अस्पताल लाए गए तो दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। नियमानुसार पुलिस को सूचना दे दी गई है और आगे की कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। ये कालू की उम्र जो है लगभग 55 वर्ष है और जीवन की उम्र लगभग 50 वर्ष। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।